ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक कारखाना खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को बादशाह किसके दरबार में भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 1608 में सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। ठीक है, सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए आया था। विलियम हॉकिंस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे जो 24 अगस्त 2008 को 1608 को भारत के सूरत में लंगर डालने वाली पहली कंपनी हेक्टर के कमांडर होने के लिए उल्लेखनीय था। हॉकिंस ने 1609 में सम्राट जहांगीर से एक कारखाने के लिए सहमति के लिए बातचीत करने के लिए आगरा की यात्रा भी किया था।